चलिए देखिए, हमने आपको वो बताया था प्रोबेबिलिटी वाला रिलेशन। आगे देखिए, लिखिए रिलेशन बिटवीन A21 एंड B21। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशियंट और स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशियंट के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशियंट एंड स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशियंट के बीच का रिलेशन। देखिए, एटम लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है, एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट 2 पर जा रहा है। तो एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लोअर एनर्जी स्टेट पर N1 एटम्स माने हैं। तो आपको हमने बताया था P12 किसके बराबर है, B12 U के बराबर। ये P12 एटम का फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट जाने की प्रोबेबिलिटी, तो वो हमने किससे दिखाया, P12 बराबर V12 U, B12 आइंस्टीन कोफिशियंट है और U एनर्जी, U है, न्यू तो उसका फंक्शन, U एनर्जी डेंसिटी है। तो देखिए B12 आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब लोअर एनर्जी स्टेट पर N1 एटम है, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट पर कितने एटम है, N1, तो फॉर N1 एटम्स N1 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है। फॉर N1 एटम्स, फॉर N1 एटम्स N1 एटम्स के लिए N1 टाइम्स करिए, N1 टाइम्स N1 P12 N1 B12 U, B12 U, अब यहां पर
एटम जब सेकंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट जाता है, एटम जब सेकंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी सेकंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकंड से फर्स्ट एनर्जी एटम का E2 से E1 मूव करने की प्रोबेबिलिटी, E2 से E1 मूव करने की प्रोबेबिलिटी, यहां H न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करी और इससे यहां गया, यहां H न्यू एनर्जी एमिट करी सेकंड से फर्स्ट एनर्जी स्टेट। सेकंड से फर्स्ट
इसमें रखना नहीं तो वो अब देखिए एटम के सेकंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट जंप करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू मूव फ्रॉम सेकंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट मूव करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू मूव फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट तो ये क्या होती है P21 P21 A21 plus B21 U. A21 देखो पिकल वाला आइंस्टीन कोफिशियंट है स्टिमुलेटेड एमिशन का आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन B21 आइंस्टीन कोफिशियंट है स्टिमुलेटेड एमिशन U एनर्जी डेंसिटी वेयर A21 आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ये हमने ऑनलाइन क्लास डाल दी थी कि नहीं डाल दी थी ना और B21 आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेटेड ये हमने लास्ट टाइम बताया था सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट ड्रॉप करने की प्रॉबिलिटी ठीक है अब मान लिया इस एनर्जी स्टेट पर N1 एटम थे इस एनर्जी स्टेट पर N2 एटम फॉर N2 एटम्स N2 टाइम्स करिए P21 N2 A21 N2 B21 N2 B21 U1 भाई N2 एटम्स तो N2 टाइम्स कर लीजिए N1 एटम्स के लिए N1 टाइम्स किया N2 एटम्स के लिए N2 टाइम्स किया अब देखिए बच्चों देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों नंबर्स बराबर होंगे दोनों वैल्यूज बराबर होंगी लगभग जितने एटम्स जाएंगे उतने ही एटम्स वापस आएंगे प्रोबेबिलिटी एटम्स के लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाने की और प्रोबेबिलिटी हायर से लोअर एनर्जी स्टेट आने की लगभग बराबर होगी ठीक है यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो देखिए इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम N1P12 बराबर N2P21 N1P12 बराबर N2P21 N1B12 यूनियन N2B2 N1B12 union minus N2 union यहां पर union कॉमन लीजिए ठीक अब आप डिवाइड कर दीजिए यू कॉमन ले लीजिए यहां से N2B21 कॉमन ले लीजिए N2 से N2 कट गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो यू न्यू बराबर A21 B21 N1 upon N2 B12 अब यहां पर आइंस्टीन ने थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया B12 की वैल्यू B21 के बराबर है आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली B12 इज इक्वल टू B21 आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली डायनामिकली B12 इज इक्वल टू B2 B12 इज इक्वल टू B2 B12 की वैल्यू B21 के बराबर है
ये थर्मोडायनेमिकली आइंस्टीन ने प्रूफ किया है। तो यू न्यू ए टू वन अपॉन बी टू वन, ठीक है, एन वन अपॉन एन टू माइनस, एन वन अपॉन एन टू माइनस वन, अब देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एन आर बराबर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला, एन आर बराबर एन नॉट पावर माइनस ई आर अपॉन के टी, एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी, ई की पावर में माइनस में ई आर अपॉन के टी, आर बराबर वन रखोगे तो एन वन आएगा, एन नॉट ई की पावर माइनस ई वन अपॉन के टी, ठीक है, आर बराबर टू ये याद कर लेना, एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी, आर बराबर वन रखा तो एन नॉट इनिशियल नंबर है, ठीक है, ई की पावर माइनस ई वन अपॉन के टी, आर बराबर टू रखिए, एन टू बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू अपॉन के टी, ठीक है, एन वन अपॉन एन टू कर दीजिए, यहां पर एन वन अपॉन एन टू है, एन नॉट ई की पावर में माइनस में ई वन अपॉन के टी, एन नॉट पावर में माइनस ई टू अपॉन के टी, एन वन अपॉन एन टू ई की पावर ई टू माइनस, ए टू माइनस ई वन अपॉन के टी, ई टू, ठीक है जी, नोट कर लीजिए, देखिए इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की स्थिति में, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की स्थिति में, कि आप कहोगे जितने एटम्स गए हैं लगभग उतने ही एटम्स आएंगे, वो तो होता भी है कि अगर एन वन एटम्स गए तो रिटर्न में भी आएंगे लगभग, तो एन वन पी वन टू बराबर एन टू पी टू वन, एन वन पी वन टू बराबर एन टू पी टू वन, एन वन पी वन टू की वैल्यू एन वन बी वन टू यू न्यू, एन टू भाई वैल्यू रख दिया, एन टू ए टू वन एन टू बी टू वन यू न्यू, ये इधर ले आए, ठीक है, कॉमन ले लिया यू न्यू, एन वन बी वन टू एन टू बी टू वन,
बराबर एन टू ए टू वन, इससे आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कॉमन ले लीजिए एन टू बी टू वन, कॉमन ले लिया, एन टू से एन टू कट गया, ए टू वन अपॉन बी टू वन, एन वन अपॉन एन टू, बी वन टू अपॉन बी टू वन माइनस वन। आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली, आइंस्टीन ने थर्मोडायनेमिकली प्रूव किया बी वन टू बराबर बी टू वन, बी वन टू बराबर बी टू वन के आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन किसके बराबर है, आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। ये आइंस्टीन ने प्रूव किया, इसको आपने बराबर कर दिया, तो ये टर्म हटा दिया, ये बचा जाके। अब एन वन एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट पर थे, एन टू एटम हायर एनर्जी स्टेट पर थे, उसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब भी कोई बात आई तो मैक्सवेल ने ही बताया है, और वो है एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। और अब यहाँ पे आर बराबर वन रखा तो एन वन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई वन अपॉन, आर बराबर टू रखा एन टू बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू। अब एन वन अपॉन एन टू, एन नॉट ई की पावर माइनस ई वन अपॉन के टी, एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू अपॉन के टी, ठीक है। इसको ऊपर ले गई। अब ई टू माइनस ई वन क्या होता है, एच न्यू के बराबर, हमने कल ही बताया था कि भाई यहाँ पर एटम है सेकेंड इनर्जी स्टेट से फर्स्ट इनर्जी स्टेट जा रहा है, तो एटम जब सेकेंड इनर्जी स्टेट से फर्स्ट तो एच न्यू का फोटॉन एमिट करेगा, टू टू वन, टू टू वन सेकेंड से फर्स्ट जा रहा है, तो टू से वन की तरफ जब जा रहा है तो टू वन मतलब ई टू माइनस ई वन किसके बराबर, एच न्यू, किसके बराबर, एच न्यू के, ठीक है। ये एच न्यू के रख दीजिए एन वन अपॉन एन टू, एन वन अपॉन एन टू ई की पावर ई टू माइनस ई वन के टी, ई टू माइनस ई वन की वैल्यू है एच न्यू, तो एन वन अपॉन एन टू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, ये रख दीजिए। 14 को यूज करिए टेन में, यूजिंग इक्वेशन 14 इन इक्वेशन 9, यू न्यू ए टू वन बी टू वन इंटू ई की पावर एच न्यू, ठीक है। अब इसकी कंपेयरिंग करनी है किससे, प्लैंक रेडिएशन फार्मूले से, प्लैंक रेडिएशन फार्मूले से कंपेयर। प्लैंक रेडिएशन फार्मूला, फार्मूला
प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला यू न्यू 8 pi एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई के पावर एच न्यू अपॉन इससे कंपेयर करो, इससे इसकी कंपेयरिंग करी, 8 pi एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यू, 8 pi एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यू, 1 अपॉन ई की पावर ठीक है, इससे आपको कंपेयर करनी। तो ये देखिए, ये वाला साइड इतना है ठीक है, ये यू न्यू है ठीक है, तो ये ए टू वन अपॉन, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 15 8 pi एच न्यू क्यू अपॉन ये रिलेशन ये रिलेशन है प्लैंक रेडिएशन, ये रिलेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए टू वन एंड बी टू वन। आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन और आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन के बीच में रिलेशन ए टू वन और बी टू वन बहुत इम्पॉर्टेंट। ये लॉन्ग में आता है तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इस यूनिट में सब्जेक्टिव बेस है तो आपके नंबर कम मिलते हैं भाई। जैसे किसी में पूरा सब्जेक्टिव है तो 12 में हाँ किसका लव मैच चल रहा है ना, देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन एमबी स्टैटिक्स के अनुसार
अकॉर्डिंग टू बी स्टैटिस्टिक्स एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। ये आर बराबर वन लेते हैं फॉर वन, तो एन वन बराबर एन नॉट आर बराबर टू लेते हैं एन टू बराबर एन नॉट ये आपका एन टू अपॉन एन वन एन नॉट ठीक है, तो एन टू अपॉन एन वन ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया E2 माइनस E1 की वैल्यू है H ने बताई थी, तो ये नेगेटिव पावर में आ रहा है N2 अपॉन N1 नेगेटिव पावर में आ रहा है, तो N2 अपॉन N1 E की पावर में माइनस H ने अपॉन की थी, तो ये नेगेटिव में आ रहा है ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको यहां पर यहां पे ये नेगेटिव आया, इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि n2 स्मॉलर है n1 से, मतलब n1 बड़ा है n2 से ठीक है। From this relation, N1 is greater than N2. भाई ये जब से बैंकों ने प्राइवेट बैंकें आई, तो प्राइवेट बैंकों ने क्या किया कि लोन देना बहुत इजीएस्ट वे में शुरू कर दिया। आपको लोन कराना बहुत टिपिकल नहीं है। क्या नाम आदित्य ना अनुराग द्विवेदी हैं, ये चाहते हैं कि हम कार ले लें लोन पे, तो ये भी ले सकते, बस दो साल का रिटर्न जमा करवाएं ठीक है, और घर से 30-40-50 हज़ार रुपये की व्यवस्था करें, ले आएंगे कार, सर्दियों में ये कार से आ रहे हैं तो कोचिंग ठीक है, क्यों, क्योंकि लोन की व्यवस्था है। और यही अभी अनुराग द्विवेदी को पता चला, अभी 4 लाख रुपए देना है तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 लाख एक साथ करना पॉसिबल नहीं है ठीक है। फिर मान लीजिए फिर अब ले आए, तो फिर उस आधार पे घर वाले पिताजी कोई ना कोई धीमे धीमे करके पैसा जमा ही कर देगा, तो ये कैसे संभव हुआ उधार देने, मतलब बैंक के आपको पैसा देने से।
ठीक है, लोग यही 1980 के आसपास लोगों के पास साइकिल होती थी, मोहल्ले में सिर्फ एक मोटरसाइकिल होती थी, है ना। हमारे फूफा जी साइकिल से इटावा चले जाते थे, साइकिल से, सही बता रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, तब तो ये हाईवे बन गया तो कुछ दूर कम ही लग रहा था, तब और ज़्यादा दूर था। तो जब जिसके पास जो साधन होता था उसका ही तो उपयोग करेगा। लोग पैदल जाते थे, जैसे जानवर अनवर खरीदना है गांव के, हमारे मामा अमा जैसे कोई जानवर खरीदना तो पता चला पैदल निकल गए जानवर लेने, ठीक है, फिर लेके 5 दिन बाद आते थे, पैदल चलते थे, सुविधा नहीं थी। आज के समय में गाड़ी से गए, जानवर खरीदा और उस पर लोडर पर लादवा दिया, ले आए घर उसी दिन, है ना। तो इतनी गाड़ियां अवेलेबल है ना, तभी तो ऐसा है। तो ये कुल मिला के डिपेंड किया बैंक पे, कि बैंक से आपको एक टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसे मिल जाते हैं, फिर आप जो अर्न कर रहे हो उससे धीमे 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 तक दे देते हो। ये जो घर बने इतने अच्छे अच्छे लोगों के, उसमें भी बैंक का रोल है, ठीक है। आदमी को पता चला घर बनाना है, उसको जरूरत है 20 लाख की, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, वो तो पता चला दीवार खड़ी करी पैसा खत्म हो गया, तो बैठ गया, घर बर्बाद होगा, पर आज के समय में लोन ले लेगा। तो वैसे ही यहाँ पर है, एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड बदलेगा, तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट पर होगा तभी तो फोटॉन एमिट हो पाएंगे, तभी एनर्जी एमिशन होगी। अगर उसने मान लो जैसे अगर लोअर एनर्जी स्टेट पर ही है और बस वहीं पर एमिशन करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट पर ही, अभी तो हम एक टीचर हैं अरमापुर में, हमसे कुछ पैसे उधार ले गए थे, तो उनसे हमने एक दिन उनको कहा, हमने भैया वो पैसे ले गए तो वापस करो, तो उनको फिर बुलाया, जो बुलाया तो पता चला उनकी सैलरी 90,000 रुपये है, कमीशन से है, पर वो 65,000 रुपये तो उनकी किस्त कट जाती है, समझ गए, 65,000 उनकी किस्त कट जाती है। कार ली, उसकी किस्त है 22-23,000 रुपये, 2 मोबाइल लिए, मतलब दिखाने में ज़्यादा भरोसा है, पता चला 10-10,000 की उनकी भी किस्त है, 2-2 लाख के मोबाइल ले आए, दिखाते क्षेत्र में कि ये देखो मोबाइल, वो वाला नहीं आजकल सैमसंग का वो, हाँ हाँ, वो 1.5-2 लाख का मोबाइल लिए, वो भी किस्त पे, स्कूटी लिए वो भी किस्त पे, घर भी है उसकी भी किस्त है। तो उनके 90,000 रुपये में 65,000 तो किस्त के, तो हमने कहा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, इनको पैसा देना आफत में हो गया, समझ गए, कि वो हर चीज तो किस्त पे लिए, समझ रहे। तो ये आज के समय में, अब जैसे अगर तो कोई व्यक्ति मिल जाए, पता चला कार से उतरे, पता चला मोबाइल निकाल दे, तो आप ये मत समझिए कि वो बहुत पैसे वाला है, हो सकता कर्ज में डूबा, तुम अपनी साइकिल से ज्यादा अच्छे हो, है ना। तो वो वैसे ही यहां पर है, एटम्स जो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुंचा, हायर एनर्जी स्टेट पर जब पहुंचेगा तभी स्टीमुलेटेड एमिशन हो पाएगा। यहां पर लोअर एनर्जी स्टेट पर एटम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर एमिशन होगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, स्टीमुलेटेड एमिशन नहीं मिलेगा। जब वो लोअर से हायर पे जाएगा, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तो वहां पर स्पॉन्टेनियस एमिशन के साथ साथ स्टीमुलेटेड। जैसे आप कभी कैसे मान लीजिए वो पैसे उधार लिए, तो उन्होंने अपने रिलेशन में ले लिया, किस्तें नहीं करें, तो क्या होगा कि जो पैसा लिया वही वापस करेंगे, कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बैंक से लेने का मतलब ब्याज देना, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट पे रहेगा तो सिर्फ कौन सा एमिशन होगा, स्पॉन्टेनियस, और जब हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा तो स्टीमुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जब N1 एटम्स ज़्यादा हैं, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट पर एटम्स ज़्यादा हैं, N1 का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट पे, ये हमने माना था अभी, और वो एक जनरलाइज्ड है E1 एनर्जी स्टेट पर, ठीक है, और E2 एनर्जी स्टेट पर,
इस एनर्जी स्टेट पर एन वन नंबर है, इस एनर्जी स्टेट पर एन टू नंबर है। तो यहाँ पर एन वन आपकी संख्या ज़्यादा है तो आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन ही मिलेगा। जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये लेजर लाइट नहीं दे रही है, ये एक ऑर्डिनरी लाइट दे रही है। तो एटम एक्साइट हो गए और उन्होंने एनर्जी एमिशन कर दिया, ठीक है। पर लेजर का कॉन्सेप्ट अलग है कि एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगी जिसके कारण एक और एडिशनल फोटॉन एमिट किया, डबल फोटॉन एमिट किया। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, इस लेजर लाइट का। तो यहां पर ये लिखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन, एमिशन इज ग्रेटर देन स्टीमुलेटेड एमिशन। इस कंडीशन में आपको ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी, इन दिस कंडीशन ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, इन दिस कंडीशन कंडीशन ऑर्डिनरी लाइट 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 इज ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड फॉर लेजर लाइट लाइट लेजर लाइट के लिए, फॉर लेजर लाइट N2 is greater than N1. N2 बड़ा हो N1 से, और दूसरा एटम्स का हायर एनर्जी स्टेट पर रुकने का टाइम पीरियड भी ज्यादा हो, मीन लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन, मीन लाइफ टाइम एट हायर एनर्जी स्टेट विल बी हायर, ठीक है। अब जैसे तुम बैंक से लोन लो, बैंक तो बंद हो जाएंगे, आपने लोन लिया, पाँच दिन बाद वापस करने चले गए, पाँच दिन का वो क्या ब्याज ले लेगी सरकारी बैंक। आप बैंक से लोन लो, दस साल के लिए लो, बीस साल के लिए लो, तो उतने समय तक आप इंटरेस्ट दोगे तो भी उसको फायदा है ना। तो वैसे ही एटम है, एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट गया और तुरंत वापस आ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगी नहीं पाएगी, तो वो डबल फोटॉन एमिशन नहीं हो पाएगा। तो एटम का हायर एनर्जी स्टेट पर मीन लाइफ टाइम लार्जर होना चाहिए या उसके पास मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। मीन लाइफ टाइम टाइम विल बी हायर हायर एट हायर एनर्जी स्टेट, मीन लाइफ टाइम विल बी लार्ज लार्जर एट हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट या एटम हैविंग द मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट एटम के पास होना चाहिए मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, एटम हैविंग द मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। अब किसी, अब ये दो चीजें होनी चाहिए, और पहली बात एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर ज्यादा हो, तो किसी भी तरीके से आप लार्ज नंबर में एटम्स अवेलेबल कराते हो, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है। यही लिख रहे हैं, By some means, किसी भी तरीके से लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एटम्स आर अवेलेबल एट हायर एनर्जी स्टेट, एट हायर एनर्जी स्टेट एनर्जी स्टेट स्टेट बाई सम मीन्स किसी भी तरीके से
large number of atoms are available at higher energy state is known as population inversion. इन्वर्सन कैसे पहुंचाओगे ये हम आपको संडे को बताएंगे, पहुंचाने का तरीका क्या है, ठीक है। ये बच्चों आज ये दो टॉपिक हो गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग और दूसरा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट। पॉपुलेशन इन्वर्जन वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिससे मतलब वो है जिससे लार्ज नंबर में एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। जब अवेलेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, ठीक है। एक बस करें, तुम लोगों का ये नोटिफिकेशन आ गया है कि पेपर सब्जेक्टिव